हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पूछा गया है असाइनमेंट ईयर 2021-22 और कोर्स कोड होगा ABC 101, जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और ये क्वेश्चन नंबर 7B का है। और इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन कहता है क्या है? सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या कहता है क्वेश्चन। कंसिडर अ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी। अब प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी क्या होता है भाई? जिसमें हम सिर्फ गुड्स के बदले में गुड्स ले सकते हैं। यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी या मनी का इंट्रोडक्शन नहीं होता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और ऐसा इकोनॉमी है जिसमें दो ही इंडिविजुअल है ए और बी, ठीक है, और दो ही गुड्स हैं एक्स एंड वाई। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जहाँ पर ए और बी इंडिविजुअल के बीच में ही गुड्स एक्स एंड वाई का एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं है। और इंडिविजुअल ए को एंड्यूब है 1 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड नन ऑफ वाई। इंडोमेंट जो है इंडिविजुअल ए का, वो 1 यूनिट उसके पास गुड्स एक्स है, वाई का कोई नहीं, 0 यूनिट ऑफ गुड्स वाई है। और जबकि इंडिविजुअल बी के पास आप देख सकते हो 1 यूनिट वाई है और नन ऑफ एक्स है। यानी इंडिविजुअल बी के पास जो ए के पास एक्स का 1 यूनिट है, वाई है ही नहीं उसके पास, लेकिन इंडिविजुअल बी के पास वाई 1 यूनिट है और नन ऑफ गुड्स एक्स है, ठीक है। अब ये दोनों का यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। अज्यूमिंग द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल ए और ये इंडिविजुअल बी का प्रिफ्रेंस जो दिया गया है टूवर्ड गुड्स एक्स एंड वाई का, वो दिखाया गया है। यू ए डैट इज इंडिविजुअल ए, यू बी डैट इज इंडिविजुअल बी, ठीक है। आई और एक्स आई और वाई आई, जो आई बराबर ए बी, दो पर्सन है ए बी का, रिप्रेजेंट करता है कंजप्शन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई और इसके रिस्पेक्टिवली। और इसके अतिरिक्त अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, सच डैट अल्फा इज ए ग्रेटर देन 0 बट बीटा इज द लेस देन 1, ठीक है। और डिटरमाइंड करना है जो वालरसियन प्राइस रेशियो, इसको हम वालरसियन इक्विलिब्रियम प्राइस, आपको क्वेश्चन में होगा, मुझसे छूट गया, इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो इस क्वेश्चन से हमें निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो क्या कहता है हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह के वीडियो आप इंजॉय कर सकें। और असाइनमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए, तो क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा है ये तो बात है, और इसका सलूशन भी थोड़ा लंबा होगा, और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हमेशा टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी पूछता रहता है इस तरह क्वेश्चन। तो आपको फोकस जो करनी है माइन, वो इंडिविजुअल ए से करेंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे वाइटल जो इंफॉर्मेशन है हमारा, यूटिलिटी फंक्शन दिया गया, उसको लिख लेते हैं। तो यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है हमारा, यू ए इक्वल टू एक्स ए, देखो एक्स ए का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल ए टू द पावर अल्फा वाई ए, इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ गुड्स वाई हेल्ड बाय पर्सन ए के द्वारा, जो उसका प्रेफरेंस है वो 1 माइनस अल्फा हो गया। और इसका इंडोमेंट भी साथ में लिख लो ब्रैकेट में, अच्छा रहेगा। इंडोमेंट को डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, और इंडोमेंट ऑफ गुड्स एक्स हेल्ड बाय पर्सन ए, तो ए को कितना इंडोमेंट मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बेसिक चीज़ है, 1 एंड नन ऑफ वाई, यानी इंडोमेंट ऑफ गुड्स वाई हेल्ड बाय पर्सन ए या इंडिविजुअल ए इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा इसी तरह वाइटल इंफॉर्मेशन हमारा, यूटिलिटी फंक्शन लिखा हुआ है, यू बी यानी यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल बी इक्वल टू एक्स ए एक्स बी टू द पावर बीटा, जो एक्स बी है अमाउंट ऑफ, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल बी,
ठीक है। और उसी तरह वाई बी यानी अमाउंट ऑफ गुड्स वाई हेल्ड बाय पर्सन बी वन माइनस बीटा, ये इंफॉर्मेशन हो गया। और एक इंडोमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका भी लिख लेते हैं ताकि बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो उसका हमारा इंडोमेंट ऑफ गुड्स एक्स हेल्ड बाय बी इक्वल टू क्या है, तो देखो व्हाइल इंडिविजुअल बी वन यूनिट ऑफ गुड्स वाई नन ऑफ गुड्स एक्स, यानी ये नन करता है तभी तो दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, अगर दोनों के पास सेम रहता तो कोई बात ही नहीं था। इंडोमेंट ऑफ गुड्स वाई हेल्ड बाय पर्सन वन इक्वल टू वन। अब हमारा पास पूरा इंफॉर्मेशन हो गया है, और जैसा कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो पहले आपको फोकस करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमको फाइनल में निकालना है क्या है, वालरसियन इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल ए पर फोकस कीजिए, तो मिटाते हैं जगह बनाने के लिए। तो इंडिविजुअल ए का हमको सबसे पहले जो गुड्स एक्स का डिमांड फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहला काम है। तो पहला काम में हम लोग लगते हैं इंडिविजुअल ए में, तो इंडिविजुअल ए लिखते हैं पहले, इंडिविजुअल ए। अब इंडिविजुअल ए का डिमांड फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। अब डिमांड फंक्शन कैसे निकलता है तो ये काफी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो पहले यूटिलिटी फंक्शन मैं लिख लेता हूं, यू ए इक्वल टू एक्स ए टू दी पावर अल्फा वाई ए टू दी पावर वन माइनस अल्फा। अब डिमांड फंक्शन निकालना, कौन सा डिमांड फंक्शन निकालना, हिक्सियन की मार्शलियन, तो मार्शलियन निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं डिमांड फंक्शन फॉर, डिमांड फंक्शन ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है, गुड्स एक्स का ही निकालना है, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल ए का ही हम निकाल रहे हैं। तो या आप कह सकते हो गुड्स एक्स ए, यानी मतलब हेल्ड बाय इंडिविजुअल ए। जैसा कि जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है, इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, ये होता है। अब ऑब्वियसली है कि मार्जिनल यूटिलिटी आप निकालिए यहाँ पर, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है, सिंपली हमको जो टोटल यूटिलिटी जो दिया गया है उसका हम डेरिवेशन लेंगे, जैसे एम यू एक्स ए इसको निकालना है, तो डेल पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल ए विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एक्स हेल्ड बाय पर्सन बी, ए पर्सन ए। तो इसका लोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो अल्फा पहले आ जाएगा, ठीक है, एक्स ए टू द पावर अल्फा माइनस वन, यही होगा भाई, ये अल्फा पहले आ जाएगा जैसा कि, और ये मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, वाई इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वन माइनस अल्फा। अब सिमिलरली एम यू एक्स वाई भी उसको हमको कैलकुलेट करना है वाई ए, ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यूटिलिटी फंक्शन फॉर इंडिविजुअल ए विद रिस्पेक्ट टू गुड्स वाई। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ एक्स ए टू दी पावर अल्फा, बट इसमें काम होगा वो चूंकि वाई का ए के रिस्पेक्ट में ले रहे, तो वन माइनस अल्फा इज ए कमिंग फर्स्ट, वन माइनस अल्फा एंड वो वाई ए टू दी पावर वन माइनस अल्फा फिर माइनस वन, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए टू दी पावर अल्फा, पहले सजा के लिखो, पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं वन माइनस अल्फा, ठीक है, एक्स ए टू दी पावर अल्फा वाई ए टू दी पावर माइनस अल्फा।
अब ये दोनों जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एम यू एक्स ए और एम यू वाई ए का, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिखते हैं अल्फा एक्स ए अल्फा माइनस वन वाई वन माइनस अल्फा, और नीचे यहां पर वन माइनस अल्फा, ठीक है, एक्स ए टू दी पावर अल्फा वाई ए टू दी पावर माइनस अल्फा। ये दोनों वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है इक्वल टू पी वन बाय पी टू, ठीक है, या पी आप हाँ एक्स वाई भी लिख दो तो और अच्छा रहेगा ताकि वन टू लिखने में किसी को कंफ्यूजन हो, तो प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई वाई, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ इंडिसेस की जानकारी होनी चाहिए, तो ये कांस्टेंट के साथ कोई खेल छेड़छाड़ नहीं होगा, अल्फा बाय वन माइनस अल्फा। अब यहां देखो एक चीज है कि यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं एक्स ए टू दी पावर अल्फा, अभी इसको हम देखो दोनों का बेस सेम है तो ये नीचे जाएगा, तो यानी इसके आगे लग जाएगा माइनस ब्रैकेट अल्फा माइनस वन, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखो माइनस अल्फा प्लस वन, ठीक है। अब ये वाला रिड्यूस हो गया यहां और इसको ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा वाई टू दी पावर वन माइनस अल्फा, और ये माइनस अल्फा ऊपर जाके शिफ्ट होगा, इसका भी बेस सेम है तो प्लस अल्फा हो जाएगा। तो आप काफ़ी हद तक सोल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। अब ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल, तो ओवरऑल जो फिगर अब तक हम लोगों ने किया अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, ठीक है, वाई ए, ठीक है, वाई ए बाय एक्स ए। अब बोलिएगा वन क्यों नहीं लिखे पावर, तो ये एक हिडन पावर होता है, किसी का वाई लिखे तो इसका मतलब ही होता है वाई टू दी पावर वन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तो इसका जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो हमें ये फिगर होगा, आप देख सकते हैं ये प्राइस ऑफ वाई तिरछा गुना होगा, ठीक है। तो पहले अल्फा लिखते हैं कांस्टेंट, अल्फा प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई ए, यही होगा, और ये वाला चल जाएगा वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स ए। अब यहाँ आराम से आप इस गिवन रिलेशनशिप से एक्स ए और वाई ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ आराम से आप निकाल सकते हैं, तो एक्स ए बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा भाई, इसके ये वाला टर्म तो रहेगा न्यूमरेटर में अल्फा प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई ए, और ये जो टर्म है ये नीचे चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में वन माइनस अल्फा प्राइस ऑफ एक्स। सिमिलरली हम वाई ए का भी वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे, ये टर्म न्यूमरेटर में रहेगा वन माइनस अल्फा प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स ए, और ये नीचे चला जाएगा अल्फा प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, अल्फा प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब ये जब हम निकाल लेंगे तो हमको क्या है, हमको यहाँ कैलकुलेशन किसको करना, डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स ए एक्स का, ठीक है, हेल्ड बाय इंडिविजुअल ए, तो सबसे पहले हमें बजट कंस्ट्रेंट जाना पड़ेगा, तो बजट कंस्ट्रेंट इसका लिख लेते हैं बजट कंस्ट्रेंट। अब इसका बजट जो कंस्ट्रेंट होगा तो क्या होगा, एक्स ए प्राइस ऑफ एक्स ए टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स ए प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई ए इक्वल टू एम वन। हम एम वन जो यहाँ पर है हम एज्यूम किए हैं इनकम ऑफ पर्सन ए, या एम ए भी कर देंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कुछ भी मान सकते हैं। अब हमको कैलकुलेशन क्या करना है कि गुड्स एक्स एक्स का, तो ऑब्वियसली हम वाई ए का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू तब निकलेगा हमें, तो प्राइस ऑफ एक्स
एक्स ए प्लस प्राइस ऑफ वाई, अब वाई ए का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, तो वन माइनस अल्फा प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स ए बाय अल्फा टाइम्स प्राइस ऑफ वाई एम ए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कटेगा उसको काट लेंगे, ये टर्म प्राइस ऑफ वाई कट रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर कुछ नहीं तो नीचे वन होगा, अल्फा से हम एलसीएम ले लिए तो यहाँ से अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स एक्स ए, और यहाँ पर देखो ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन से करेंगे तो प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स ए माइनस अल्फा प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स ए इक्वल टू एम ए। अब यहाँ देखो ऑब्वियसली ये टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो इस तरह कुछ आएगा प्राइस ऑफ एक्स एक्स ए इक्वल टू अल्फा एम ए। अब यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू आराम से निकलेगा, यही डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स हेल्ड बाय पर्सन ए आएगा, तो ऑब्वियसली है अल्फा एम ए बाय प्राइस ऑफ एक्स। अब ये हम लोगों ने निकाला तो यहाँ पर हम ये डिमांड फंक्शन हम निकाल चुके हैं गुड्स एक्स का। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग है जो इंडोमेंट्स दिया गया है, आप देख सकते हो इंडिविजुअल ए का है जिसमें ए लगा हुआ है डब्ल्यू के साथ। तो यहाँ पर हमने बजट कंस्ट्रेंट और मार्शलियन डिमांड फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है, तो हाँ इनकम प्राइस में होता है, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी है, यहाँ कॉमोडिटी का ही एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये हमको डिमांड निकालने के लिए इस टूल का मदद लेनी पड़ी। तो जो इनकम होगा वो किसके बराबर होगा वो हम लोग देखेंगे, तो इनकम हम निकालते हैं, तो इनकम बराबर क्या होगा, इनकम तो इनकम मतलब बराबर जिसको हम एम वन एम ए कहे हैं वो होगा जो बजट मतलब बजट कंस्ट्रेंट वो लिखेंगे प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स ए प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई ए। अब इसका इंडोमेंट क्या है वो हम लोग देखेंगे, तो ये प्राइस ऑफ एक्स तो रहेगा भाई इनटू इसका इंडोमेंट जो ए गुड्स उसका हेल्ड किया जा रहा है पर्सन वन के द्वारा वन रहेगा, बट प्राइस ऑफ वाई टाइम्स और वाई ए क्या है जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतना तो आपको आता होगा यहाँ प्राइस ऑफ एक्स होगा जीरो से करेंगे तो जीरो होगा, जीरो को फिर वन से ये पी एक्स जोड़ेंगे तो फिर वो सेम होगा, यानी एम ए जो इनकम है वो प्राइस ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। यार एक तो यहाँ पर हम ये वैल्यू बैठा देंगे डिमांड फंक्शन में, जहाँ पर एम ए है वहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स कर देंगे। तो देखते हैं अल्फा एम ए बाय प्राइस ऑफ एक्स, तो अब एम ए का एम ए रहा नहीं प्राइस ऑफ एक्स कर देंगे बाय प्राइस ऑफ एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा जो अब हमारा जो निकला है डिमांड फंक्शन हेल्ड बाय पर्सन है विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू अल्फा, ये एक पहले निकाला है, ठीक है। इतना डिमांड करता है पर्सन वन के द्वारा, तो एक वाइटल इंफॉर्मेशन है इसको एक्स ए विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स इक्वल टू अल्फा। अब ये जैसे आप निकालोगे तो सिमिलर वर्क आपको करना पड़ेगा इस इंडिविजुअल बी के साथ भी। तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, जो इंडिविजुअल बी के साथ हम निकालेंगे उसकी डिमांड फंक्शन निकालेंगे और गुड्स एक्स का ही निकालेंगे, ठीक है, तब हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सारा चीज बदल जाएगा, इंडिविजुअल ए अब बी बन जाएगा, बहुत सारे चेंजिंग होगा सारा चीज में, तो करते हैं, बाकी प्रोसेस वही सिमिलर होगा जैसा मैंने अभी निकाला है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए, वालरसियन इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, इसको हम लोग रिलेटिव प्राइस भी कहते हैं या वालरस लॉ भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया काफ़ी अच्छा तरीका से,
अब इंडिविजुअल बी पर फोकस करेंगे तो उसकी यूटिलिटी फंक्शन भी अलग है होगा और उसको मैंने लिख चुका हूँ। अब एक्स बी टू दी पावर बीटा वाई बी टू दी पावर वन माइनस बीटा, जो एक्स बी है इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ गुड्स, एक्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल बी अमाउंट ऑफ गुड्स, वाई हेल्ड बाय इंडिविजुअल बी। अब इसको डिमांड फंक्शन ऑफ गुड्स एक्स ही निकालना है हमें, तो इसको भी सिमिलर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बी बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, यही होगा। अब आपको ज़्यादा झमेला नहीं करना है, आपको निकालना सीख गए, हम डायरेक्टली यहाँ निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल वी, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो बीटा आएगा एक्स बी टू दी पावर बीटा माइनस वन वाई बी टू दी पावर वन माइनस बीटा, ऊपर वाला हो गया इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब यहाँ पर किसका लेंगे, वाई बी के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो हम थोड़ा सा सजा के लिख रहे हैं, वाई बी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वन माइनस बीटा कम फर्स्ट होगा, पहले हम कांस्टेंट टर्म को लिखें, ठीक है, अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, फिर इसको लिख रहे हैं एक्स बी टू दी पावर बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, वाई बी टू दी पावर वन माइनस बीटा फिर माइनस वन, तो ये माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया, माइनस बीटा हो गया। अब उसी तरह करेंगे जैसा सिमिलर हम लोगों ने किया था इससे पहले इंडिविजुअल ए का जब डिमांड फंक्शन मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो बीटा बाय वन माइनस बीटा, क्लियर। अब यहाँ क्या करना है, एक्स बी टू दी पावर बीटा, अब यहाँ लाएंगे इसको नीचे तो इसका दोनों का पावर मतलब जो साइन है चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बीटा होगा या प्लस वन होगा, माइनस बीटा प्लस वन, जैसा कि उसमें भी किया था। अब वाई बी एज इट इज रहेगा, वाई बी इक्वल टू वन माइनस बीटा, और यह माइनस बीटा जाके वहाँ पर हो जाएगा ऊपर प्लस बीटा, और इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, अब सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, बीटा प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा जो ओवरऑल फिगर बन रहा है बीटा बाय वन माइनस बीटा, ठीक है, वाई बी बाय एक्स बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या हमारा होगा फिगर, है हम यहाँ लिख देते हैं, बीटा कांस्टेंट पहला रहेगा और ये इससे होगा, तो प्राइस ऑफ वाई बाय वाई बी, वाई बी इक्वल टू, ठीक है, प्राइस ऑफ, ठीक है, अब यहाँ वन माइनस बीटा, वन माइनस बीटा प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी, ठीक है, यही होगा, देख सकते हैं वन माइनस बीटा प्राइस ऑफ एक्स वाई बी। अब इस रिलेशनशिप से हम जैसा कि पिछले बार भी निकाले थे एक्स ए और वाई, मैंने वाई बी और एक्स ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक्स बी का वैल्यू होगा ये वाला टर्म लिखेंगे पहले न्यूमोरेटर में, बीटा प्राइस ऑफ वाई वाई बी, और ये चला जाएगा वन माइनस बीटा प्राइस ऑफ एक्स, एंड सिमिलरली वाई बी इक्वल टू, तो यहाँ पर होगा ये टर्म लिखा है वाई बी इक्वल टू, तो वन माइनस बीटा प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी, और नीचे क्या होगा भाई, वाई बी में बीटा एंड प्राइस ऑफ वाई टाइम्स बीटा, ये होगा। अब ये जब हम निकाल लिए तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा डेस्टिनेशन होगा बजट कंस्ट्रेंट फॉर इंडिविजुअल बी, तो बजट कंस्ट्रेंट लिखते हैं, सिमिलर वर्क होगा, एक जैसा निकाला वही होगा बजट कंस्ट्रेंट। अब इसका बजट कंस्ट्रेंट क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई बी
इक्वल टू एम बी, यहां एम बी हो गया इनकम ऑफ इंडिविजुअल बी। सिमिलरली वाई बी का वैल्यू हम पुट करेंगे, चूंकि हम लोग इंटरेस्टेड क्या है, गुड्स एक्स का डिमांड फंक्शन निकालने के लिए हेल्ड बाय इंडिविजुअल बी। तो प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी प्लस प्राइस ऑफ वाई, और वाई बी का वैल्यू निकला हुआ है वन माइनस बीटा प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी बाय प्राइस ऑफ वाई टाइम्स बीटा इक्वल टू एम बी। अब ये प्राइस ऑफ वाई जैसा उसमें हुआ था सब कैंसिल हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, बीटा होगा, बीटा यहाँ यहाँ कुछ नहीं तो वन है, वन से करेंगे डिवाइड, तो इतने ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा से, बीटा प्राइस ऑफ एक्स एक्स बी। अब यहाँ देखो यहाँ वन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्राइस ऑफ एक्स एक्स बी माइनस बीटा प्राइस ऑफ एक्स एक्स बी, ये हो गया एम बी। अब यहाँ एक चीज देखो, ये प्लस माइनस जैसा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी इक्वल टू बीटा एम बी बाय प्राइस ऑफ एक्स, ये हाँ प्राइस ऑफ एक्स, ये जो हमारा निकला डिमांड फंक्शन निकला, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल बी का, किस गुड्स का, एक्स का। अब उसी तरह यहाँ पर तो हम बजट कंस्ट्रेंट मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालें तो प्राइस में निकाल लें, लेकिन जो हमारा निकालना है, जो इसका इंडोमेंट है, उससे हमको रिलेट करना पड़ेगा। और इनकम जो होगा अब किसके बराबर होगा, जो गुड्स का उसके पास है वही इनकम है, चूंकि यहाँ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी है, तो वो काम हम लोग करते हैं। जो आपको डिमांड फंक्शन निकालने में टाइम लगेगी उससे ज़्यादा, अब इनकम जो होगा, इनकम इंडिविजुअल बी का, जिसको हम डिनोट करेंगे एम बी, तो एम बी बराबर क्या होगा भाई, यही चीज तो लिखा है ना, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई बी। अब इसका कहाँ जाना पड़ेगा, इंडोमेंट पर, ठीक है। तो आपको देखो इंडोमेंट पी का क्या है, एक्स का जो है जीरो है और वाई का प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई बी यानी वन है, यहाँ से इंडोमेंट इसका वाई कॉमोडिटी का वन है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली जो इनकम होगा इंडिविजुअल बी का वो प्राइस ऑफ वाई होगा। अब ये एम बी जो आया इनकम का वैल्यू प्राइस ऑफ वाई यहाँ पुट कर देंगे, जो डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल बी बीटा एम बी बाय प्राइस ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा एम बी का प्राइस ऑफ वाई हो गया और ये प्राइस ऑफ एक्स, और इट इज द फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स प्राइस ऑफ वाई, दिस इज द डिमांड फंक्शन, ठीक है, ऑफ गुड्स एक्स हेल्ड बाय पर्सन बी। तो यहां हम लिखते हैं एक्स बी इक्वल टू बीटा प्राइस ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ एक्स, और ये किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई का, ठीक है। अब यहां पर आता है हम लोग जिस चीज को कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन में बोला गया है, वालरसियन इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, जिसको रिलेटिव प्राइस भी कहते हैं। तो यहां पर एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी है, तो यहां पर टोटल डिमांड फॉर इच गुड इक्वल टू टोटल सप्लाई फॉर इच गुड्स, क्योंकि यहां रुपया तो चल नहीं रहा है, जितना डिमांड है गुड्स का उतना सप्लाई भी होना चाहिए, यानी दोनों मिलाकर हमारा एक यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स ए या बार्नर्स लॉ के तरह कह सकते हैं, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, यानी टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एक्स इक्वल टू टोटल सप्लाई, तो यहां पर ये इज द प्राइसेस ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, ठीक है, जितना गुड्स है एक यूनिट का, हम एक्स का कितना है भैया, यहां वन है और इसके पास तो है ही नहीं है, तो दोनों मिलाकर एक यूनिट होगा भाई, एक्स बी
ये क्या है एक्स ए, यानी अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स हेल्ड बाय पर्सन ए, और ये है एक्स बी अमाउंट ऑफ गुड्स हेल्ड बाय पर्सन बी, ये भी प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू वन। अब ये वन कैसे लिखें ये इंपॉर्टेंट है, दोनों डिमांड करेगा भैया, तो जो ये इधर है डिमांड साइड, इधर है सप्लाई, तो सप्लाई तो भैया एक ही यूनिट ना होगा क्योंकि ये पर्सन दो ही इंडिविजुअल है, दो ही गुड्स है, इसके पास एक यूनिट है और इसके पास जीरो है, अगर दोनों का डिमांड हम जोड़ेंगे तो एक के बराबर होगा। अब क्या है कि दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है, एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू अल्फा, एंड एक्स बी विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू बीटा टाइम्स प्राइस ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू वन। अब यहाँ क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये अल्फा को उधर शिफ्ट कर दो तो बीटा प्राइस ऑफ वाई बाय एक मिनट प्राइस ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ एक्स, यस ठीक है, आप वो क्या मतलब ये प्राइस ऑफ एक्स हो गया तो आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो वन माइनस अल्फा, ये अल्फा उधर जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, ये बीटा इधर मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर न्यूमरेटर में तो उधर चला जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी प्राइस ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस अल्फा बाय बीटा। अब इसी को रेसिप्रोकल ले ले तो प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई होगा, ठीक है पलट जाएगा यहाँ इक्वल टू बीटा बाय वन माइनस अल्फा, और इसी चीज को रिलेटिव प्राइस या बाल रशियन इक्विलिब्रियम, ठीक है प्राइस रेशियो कहते हैं, ठीक है इसको रिलेटिव प्राइस भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बाल रशियन इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, मैंने इस क्वेश्चन में ये कंप्लीट सोल्यूशन प्रेजेंट किया हूं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था आज का असाइनमेंट पर आधारित, और आई होप कि आपको ये वीडियो एंजॉय करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल एंड जय हिंद।